हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू माय चैनल सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पीजी सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री के पेपर फाइव से है ग्रुप ए। ग्रुप ए में पढ़नी है हिस्टोग्राफी। हिस्टोग्राफी में हम लोग पढ़ रहे थे हिस्टोग्राफी ऑफ सिलेक्टेड हिस्टोरियंस। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा अबुल फजल, हेरोडोटस एंड कलहन। आज मैं अब बात करने वाली हूँ इंडियन इकोनॉमिस्ट आरसी दत्ता के बारे में। उन्होंने भारत के आर्थिक इतिहास लेखन पर प्रकाश डाला है। उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उनके उनकी जो पुस्तक है इतिहास आर्थिक इतिहास लेखन पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आरसी दत्ता तो हमें पढ़नी है अभी चैप्टर में, लेकिन एक प्रकार से एक संक्षेप में हम लोग थोड़ा सा रिव्यू जान लेते हैं कि इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले आरसी दत्ता के जीवन परिचय के बारे में, उनका जन्म कहाँ हुआ था, फिर उन्होंने अपने इतिहास लेखन में भारत के अर्थव्यवस्था के किन तथ्यों का उल्लेख किया है, उनकी पहली पुस्तक कौन सी है, इसके अलावा उनकी सबसे अर्थव्यवस्था पर लिखी गई सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, उन्होंने अपने पुस्तक में भारत के आर्थिक व्यवस्था से संबंधित किन तथ्यों का जिक्र किया है, उन्होंने अपने पुस्तक में गरीबी के मुख्य कारण कौन कौन से बताए हैं और इसके लिए किसको जिम्मेवार ठहराया है और उसके हल करने के कौन कौन से सुझाव दिए गए हैं, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं। ए ब्रीफ नोट ऑन इंडियन इकोनॉमिस्ट आरसी दत्ता। आरसी दत्ता भारत के प्रसिद्ध प्रशासक, आर्थिक इतिहासकार, लेखक तथा रामायण और महाभारत के अनुवादक थे। भारतीय इतिहास लेखकों में से रमेश चंद्र दत्त का स्थान आर्थिक इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण है। दादा भाई नौरोजी और मेजर डीडी बसु के साथ दत्त तीसरे ऐसे आर्थिक चिंतक थे जिन्होंने औपनिवेशिक शासन के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान के प्रामाणिक विवरण पेश किया और विख्यात ड्रेन थ्योरी का प्रतिपादन किया। इसका अर्थ यह था कि अंग्रेज अपने लाभ के लिए निरंतर निर्यात थोपने, अनावश्यक कर वसूलने के जरिए भारतीय व्यवस्था को यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। इसके बारे में रमेश चंद्र ने अपने विचार दिए हैं। रमेश चंद्र दत्त का जीवन परिचय। रमेश चंद्र दत्त का जन्म 1848 ईस्वी में कोलकाता के एक संपन्न परिवार में हुआ था। वे सन 1868 ईस्वी में ICS की परीक्षा के लिए इंग्लैंड गए और 69 में इस परीक्षा में तीसरा स्थान पाकर उत्तीर्ण हुए और 1871 में वे भारत वापस आए। भारत वापस आने के बाद उन्होंने अनेक प्रशासनिक पदों पर कार्य किया अंग्रेजों के अधीन। 19वीं सदी में इतने बड़े पद पर पहुँचने वाले वे पहले भारतीय थे। 1897 ईस्वी में उन्होंने ICS से अवकाश ग्रहण किया। 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में उन्हें अपना अध्यक्ष निर्वाचित किया। सन 1897 से 1904 तक ये लंदन विश्वविद्यालय में भारतीय इतिहास के प्राध्यापक रहे। उनका निधन 1909 ईस्वी में हुआ। भारतीय इतिहास लेखन में आरसी दत्ता का योगदान। आरसी दत्ता ने अपने गहन अनुसंधान और विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकाला कि ब्रिटिश शासन न केवल भारत की भौतिक स्थिति सुधारने में विफल रहा बल्कि उसके काल में भारत का भी उद्योगीकरण हुआ। ब्रिटिश आर्थिक नीति के परिणाम स्वरूप भारत के दस्तकारी उत्पादन की स्थिति भी दयनीय हो गई और उसकी भरपाई के लिए ब्रिटिश शासक द्वारा औद्योगिक उत्पादन में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई, न ही भारतीय उद्योगों को किसी तरह का संरक्षण प्रदान किया गया। इसके तौर पर परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से कहीं ज़्यादा खेती पर निर्भर होने के लिए मजबूर हो गई। इस तरह से भारतीय समाज का कृषिकरण हो गया और दत्त ने इस कहा कि इस कृषिकरण पति के कारण सिंचाई की भी कोई उचित सुविधा नहीं थी और ना ही कृषि के लिए उन्हें सरकार द्वारा कोई सुविधाएं दी जा रही थी, जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश उपनिवेशवाद के कारण भारत की अर्थव्यवस्था असंतुलित हो गई। इसके साथ ही अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए रेल परिवहन के कारण भारतीय पारंपरिक परिवहन सेवाएं थी वो ठप हो गई। ट्रेनों का इस्तेमाल केवल ब्रिटिश शासक अपनी हित के लिए कर रहे थे, यानी कारखानों में बने मालों की ढुलाई के लिए होता रहा रेल का इस्तेमाल। इस प्रकार दत्त यह निष्कर्ष निकाले कि भारतीय अर्थव्यवस्था अविकसित नहीं है बल्कि उसका विकास अवरुद्ध कर दिया गया है। इनके द्वारा लिखा गया इतिहास विद्वानों के एक हिस्से में प्रचलित रहा,
प्रचलित उस मार्क्सवादी धारणा को गलत साबित करता है कि जिसके मुताबिक ब्रिटिश उपनिवेशवाद को महत्वपूर्ण कही जाती है। यानी कि मार्क्सवादी विचारधारा को इन्होंने गलत ठहराया कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद भारत के लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार के अभिशाप के तौर पर है। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के खिलाफ आर्थिक विचारों के विकास में आरसी दत्ता का योगदान। ब्रिटिश आर्थिक नीति के दुष्परिणामों पर प्रकाश डालने के अलावा आर्थिक विचारों के विकास में दत्त का दूसरा प्रमुख योगदान यह था कि उन्होंने अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप की सीमा निर्धारित करने की वकालत की। यह सिफारिश उन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत में एक ऐसे समय में की जब अन्य भारतीय अर्थशास्त्री आर्थिक जीवन में सरकार के हस्तक्षेप को कम करने की मांग कर रहे थे। दत्त का कहना था कि सरकार को निजी पहलकदमी घटाने वाले हस्तक्षेपों से बचना चाहिए। इसके साथ ही यथार्थ का आकलन करने की दत्त की पद्धति भी उस जमाने के हिसाब से अलग तरीके की थी। वास्तविकता के अनेक कारणों में एक को प्रमुख और दूसरे को उसका प्रभाव मानकर चलने के बजाय दत्त ने आर्थिक और राजनीतिक तथ्यों के परस्पर निर्भरता की अवधारणा विकसित की। उनकी मान्यता थी कि समाज में, तंत्र में हर चीज़ एक दूसरे पर निर्भर है, परस्पर जुड़ी हुई है, इसीलिए संतुलन बिगाड़ने जैसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। लेकिन साथ में दत्त यह भी समझते थे कि संतुलन हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वह लगातार बदलते रहता है। इसीलिए सरकार को हस्तक्षेप करते समय कि फौरी स्थिति की अंतर्निहित गतिशीलता पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, वरना उसके हस्तक्षेपकारी कदमों का परिणाम विपरीत भी निकल सकता है। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के खिलाफ आरसी दत्ता का प्रश्न चिन्ह। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र पर दत्त की रचनाओं का प्रकाशन 1900 में शुरू हुआ। फेमिन एंड लैंड असेसमेंट इन इंडिया उनकी पहली पुस्तक थी जिसमें भारत में पढ़ने वाले अकालों का अध्ययन किया गया था। इस पुस्तक के माध्यम से दत्त साहब ने ब्रिटिश हुकूमत पर यानी ब्रिटिश हुकूमत की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 1858 के बाद से 40 साल की अवधि में भारत की जनता को 10 भीषण अकालों का सामना क्यों करना पड़ा। उस समय तो रानी यानी क्राउन का शासन था, ब्रिटिश हुकूमत में भी प्रशिक्षित प्रशासक थे, कोई एक साल उतने बीच के अंदर कोई ऐसा युद्ध भी नहीं हुआ था जिन्हें भारतीय परिस्थितियों का पर्याप्त अनुभव था। मतलब ऐसे भी व्यक्ति थे जिन्हें भारतीय परिस्थितियों का पर्याप्त अनुभव था, जमीन उपजाऊ थी, किसान उद्यमी और किफायतसार थे। ऐसी अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद भी ऐसा क्यों हुआ कि इन अकालों के दौरान करीब 1.5 करोड़ भूख से मारे गए। दत्त यह मानने के लिए तैयार नहीं हुए कि अकालों का कारण आबादी में तेज रफ्तार से हुई बढ़ोतरी है। भारत के किसान लापरवाह, काहिल और फिजूलखर्ची है। उन्होंने यह भी स्वीकार नहीं किया कि किसानों का सूदखोर महाजन के शिकंजे में फंसा होना अकाल का कारण हो सकता है। दत्त ने अपने अध्ययन में दिखाया कि भारत में आबादी बढ़ने की रफ्तार इंग्लैंड के मुकाबले न केवल हमेशा कम रही है, बल्कि अध्ययन से पहले के 10 वर्षों में इस देश की आबादी में बढ़ोतरी रुक ही गई थी। दत्त के अनुसार भारत से ज़्यादा परिश्रमी और कम खर्च में गुजर बसर करने वाले किसान दुनिया में कहीं और नहीं है। आरसी दत्ता ने अकाल के कारणों की जांच करने वाले आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि सरकारी राजस्व की कठोरतापूर्वक वसूली के कारण ही किसानों को महाजनों पर निर्भर होना पड़ता है। अंग्रेज सरकार को आईना दिखाते हुए दत्त ने प्रदर्शित किया कि अकाल के बावजूद ऐसा कोई साल नहीं था जब सारी फसलें चौपट हो गई हो। सरकारी गोदामों में अनाज हमेशा भरा रहा। एक प्रांत में अगर फसल खराब हो गई तो दूसरे प्रांत में फसल अच्छी हुई। खेती का विस्तार हुआ, वह सघन भी हुई। पहले के मुकाबले पैदावार भी बढ़ी, खेतिहर उपज की कीमत भी बढ़ी, पर इसके बावजूद भी किसानों की हालत लगातार खराब होती गई। इसके लिए दत्त ने ब्रिटिश नीतियों को जिम्मेवार ठहराया। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1902 में दत्त के इस महान ग्रंथ का पहला खंड प्रकाशित हुआ। इसे ब्रिटिश हुकूमत पर लिखे गए सबसे बेहतरीन ग्रंथ कहा जाता है। इसमें 1757 में अंग्रेजों की सत्ता की स्थापना से लेकर क्राउन की हुकूमत लागू होने तक का आर्थिक इतिहास का उल्लेख है। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत अपनाई गई खेती और भूमि बंदोबस्त संबंधी नीतियाँ, व्यापार और कारखाना उत्पादन संबंधी नीतियों के साथ साथ वित्त और प्रशासन संबंधी नीतियों का भी विश्लेषणात्मक विवरण था। 1904 में इस ग्रंथ का दूसरा खंड प्रकाशित हुआ। उन्होंने प्रमाणित की तथ्यों के आधार पर यह दावा किया कि ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक वर्षों में अपनाई गई स्वार्थपूर्ण नीतियाँ भारतीय उद्योगों के पतन के कारण बने। भारत में गरीबी के कारण और आरसी दत्ता द्वारा उसके निवारण के लिए दिया गया सुझाव। दत्त ने भारत में गरीबी के कारणों पर प्रकाश डालते हुए साबित किया कि
अंग्रेजों की नीति के कारण देसी उद्योग और हस्तकलाएं तबाह हो गई, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, जिससे जीवन यापन के लिए उनके सामने खेती के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया। इस तरह खेती के भरोसे जीवित रहने वालों की संख्या हद से ज़्यादा बढ़ गई, सभी के रहन सहन का स्तर गिर गया। इसके साथ साथ अंग्रेज भारत पर हुकूमत करने के लिए भारी धन खर्च करते रहे, जिसका मुल्क को कोई फायदा नहीं पहुंचा। राजकोषीय नीति और भू राजस्व प्रणाली कुछ इस तरह की बनाई गई कि किसान के पास सिर्फ जिंदा रहने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। आरसी दत्ता ने गरीबी को दूर करने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं। उन्होंने सिफारिश की कि भारतीय मिल उद्योगों से उत्पादन शुल्क हटा लिए जाए, निची दरों को नर्म लगान के अलावा बाकी सभी टैक्स से किसानों को छुटकारा दिया जाए, इंग्लैंड में होने वाली फौजी और शाही खर्च भारत से नहीं वसूले जाने चाहिए और भारत में भी फौजी खर्च घटाए जाने चाहिए। दत्त ने जैसे ही ये सुझाव दिए, ब्रिटिश हुकूमत और उसके हिमायतियों ने उनकी चौतरफा आलोचना शुरू कर दी, लेकिन दत्त अपनी बात पर जमे रहे और अपने विरोधियों के साथ बहस की और सरकार से लगातार अनुरोध किया कि वह भारत की आर्थिक दशा सुधार करने में उनकी मदद करें। इस प्रकार इन संपूर्ण अध्ययनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि रमेश चंद्र दत्त आर्थिक इतिहासकार के अलावा एक प्रतिभाशाली और कुशल सांस्कृतिक इतिहासकार भी थे। बंगाली साहित्य परिषद के संस्थापक अध्यक्ष रहने के साथ साथ उन्होंने महाभारत और रामायण का अंग्रेजी में भी संक्षिप्त अनुवाद किया। संस्कृत साहित्य के प्रमाणों के आधार पर दत्त ने भारत की प्राचीन सभ्यता के इतिहास की भी रचना की और उन्होंने भारत के आर्थिक इतिहास में एक नई जान फूंक दी। इस तरह से भारतीय आर्थिक इतिहास लेखन में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। ओके, थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट माध्यम से मुझे सूचित कीजिए।